आप सभी जानते हो कि हर साल 25 दिसंबर के दिन गॉड जीजस की जन्मदिन की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन इस दिन बच्चे जीजस से ज्यादा सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं, क्योंकि सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए तोहफा लेकर आते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सेंटा क्लॉज रियल में होते हैं और क्या उनके पास सच में उड़ने वाले रेनडियर्स होते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूं, जिन्हें देखने के बाद आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ट्रेन टनल सेंटा क्लॉज। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर रहा करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी इस बात पर विश्वास होने लगेगा, क्योंकि ट्रेन से सफर करता हुआ एक शख्स बर्फ के नज़ारों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेन सुरंग से गुजरती है, तभी देखिए अचानक ही उनके मोबाइल में क्या रिकॉर्ड होता है। आपने देखा कि सेंटा क्लॉज के रेनडियर्स काफी तेजी से लेफ्ट से राइट जाते हुए दिखाई देते हैं। मॉर्निंग सेंटा फ्लाई। इस वीडियो को पहाड़ी इलाके में सुबह के समय रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आप सेंटा क्लॉज के रेनडियर्स को राइट से लेफ्ट जाते हुए देख सकते हो। इन अमेरिका कोट रियल सेंटा। इस वीडियो को अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक शख्स खराब होते हुए मौसम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी अचानक ही एक लाइट तेज रफ्तार से लेफ्ट से राइट जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन जब इसे स्लो मोशन करके गौर से देखा जाता है, तो ये देखने में बिल्कुल सेंटा क्लॉज के रथ जैसा दिखाई देता है। स्पेस स्टेशन कैप्चर सेंटा। ये वीडियो स्पेस स्टेशन में लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें आप किसी चीज को काफी तेज रफ्तार से जाते हुए देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये कोई सैटेलाइट या फिर कोई रॉकेट हो सकती है, तो वहीं कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये सेंटा क्लॉज का व्हीकल है जो अपने रथ से कहीं पर जा रहे हैं। आपकी इन सभी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और आप हमारे इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।